काफी ज्यादा खुशी की बात है कि उनकी बेटी इतनी दूर तक पहुंची है और एक प्रेरणा बनी है सभी के लिए, तो ये काफी खुशी की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो है आपने कितनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की, यहाँ तक पहुंचने के थोड़ा थोड़ा लंबा बताएं थोड़ा सा लंबा स्टोरी। तो मैं यही बोलूंगी कि जैसे वाइल कंटिन्यूइंग BLL करी पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद पढ़ाई करते करते प्रेपरेशन तो शुरू थी साथ में जुडिशरी की, देन LLM में एनरोल कर दिया। उसके बाद LLM करते हुए भी प्रिपरेशन चल रही थी मेरी, फिर सिलेक्शन हो गई एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और अच्छा फिर उसके साथ PhD भी चल रही थी मेरी। वैसे मैं PhD भी कर रही हूँ साथ में, और नाउ वर्किंग करंटली वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, और फिर करते करते अभी जॉब लग गई। इतने फॉर फ्लंग बॉर्डर एरिया से आप जो है सिलेक्ट हुए हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है अभी, कैसे आपकी? हाँ जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो गया, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, आई एम हैप्पी। तो आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही यहाँ तक पहुंचने में, जो है आपके पापा जी जो एक टेलर मार्केट का काम करते हैं हाँ और जी बहुत मेहनत की उन्होंने, खून पसीने का पसा लगा के जी आपको जी यहाँ पे ड्रीम जो उनका पूरा हुआ। हाँ जी नहीं, पापा और मम्मा दोनों ही काफी ज्यादा मेहनत करके पढ़ाते थे, और मुझे अच्छा लगता था, वो टेलर हैं तो मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। हाँ जी तो क्या कहना चाहेंगे अभी आप लड़कियों के लिए, क्या मैसेज देंगे आगे, जिस तरह से हमारी बहुत सी लड़कियों के ड्रीम होते हैं हाँ जी बहुत से, उनके लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाई करें, बस कोई भी सिचुएशन आए उससे डरे मत, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और किसी भी कोई भी मुसीबतें लाइक कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, बट अगर आप स्टिल उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगी कि आप पढ़ाई करते रहें, एवरीथिंग इज ईजी, यू विल डू इट। आपने कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने के लिए? स्ट्रगल, घर वालों ने स्ट्रगल मतलब होने नहीं दी, वो पूरा सपोर्ट फाइनेंशियल एवरीथिंग मतलब उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, तो मैं एज इट ये नहीं बोलूंगी कि वो टेलर हैं तो मुझे सपोर्ट मतलब मुझे काफ़ी दिक्कत आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, कभी भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल जैसे सभी फैमिलीज रहती है वैसी ही पढ़ाई हुई है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई मुझे। कितना प्राउड मोमेंट है आज पूरे नौशहरा के लिए, सब फैमिली के लिए? हाँ जी मैं देख पा रही हूँ कि सभी बहुत खुश हैं, सभी ने मुझे कंग्रेचुलेशन करी है, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, और मैं चाहूंगी कि और बच्चे भी यहाँ से निकले, कि सिर्फ मैं क्यों मतलब जैसे सभी बोलते हैं कि पहली महिला जज बनी है, मैं चाहती हूँ और सारी महिलाएं भी बने जज, क्योंकि ये इतनी मुश्किल भी कोई बात नहीं है, सब कर तो सकते हैं। नौशहरा जो है बिल्कुल LOC से सटा हुआ इलाका है बॉर्डर से, तो जी यहाँ अक्सर फायरिंग वगैरह होती रहती थी, तो ऐसे इलाके से निकल के आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो कैसा फील, क्या कहना चाहिए, कितना बड़ी हाँ आपके? जी काफी अच्छा लग रहा है मुझे कि इस एरिया से मैं निकली, और मैं चाहूंगी कि और सभी बच्चे भी निकलें। ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं कि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमें मुश्किलें हैं, कोई मुश्किलें नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुश्किलों से निकल के भी कर सकते हैं, तो इसको हमने एज अ एक्सक्यूज नहीं लेना अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, कि हम वहां से हैं इसीलिए नहीं कर पाए, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप जहां पे भी जाएं, आप बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, यू विल डू इट, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में आपकी स्कूलिंग जो हुई उसमें कितनी कोई परेशानी आई, कैसे रही आपकी? स्कूलिंग मेरा मीडियोकर, आई एम नॉट अ मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी मैं, नॉर्मल थी, मुझे लगता है कि मतलब ठीक है आप नॉर्मल भी हो तब भी पढ़ जाओगे, बस आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं जो इससे भी बढ़ के? हाँ जी, इससे बढ़ के तो मैं बस यही करूंगी कि मैं इंश्योर करूंगी कि मैं अपने काम में काबिल बनूं, मतलब अपने काम में अच्छा करूं, बस मेरी यही ड्रीम है कि जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, बस मैं यही चाहूंगी। हमारे नौशहरा जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए कितनी बड़ी प्राउड मोमेंट है ये हाँ जी मुझे आपके? दिख रहा है सभी लोग आ रहे हैं, आप आए हैं और सभी भी आ रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। जी तो फैमिली, आपके पापा मदर, इनके ने कितना आपको सपोर्ट किया, जो है इनका ड्रीम पूरा हो गया, आज इनके चेहरे पे बहुत खुशी दिखी जा रही है हाँ इसकी? जी हाँ जरूर, इन्होंने इनकी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे ओहदे पे जाऊं, और आज जिस मुकाम में पहुंची हूँ ये बहुत खुश है आपकी मेरा भाई फैमिली में काफी। कौन कौन है? मेरे माता पिता और मेरा भाई भी है, और भी फैमिली मेंबर्स, ताऊ जी ताई जी काफी लोग सभी हैं, बड़ी वो फैमिली जी है। है बबू जी हैं, तो काफी आप बड़ी फैमिली है हमारी। जी, जो आपने पढ़ाई बाहर की चंडीगढ़ में, और किस तरह से आपको सपोर्ट मिला बाकी फ्रेंड्स का, बाकी सबका? हाँ जी सभी मेरे काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने जो खुद भी जुडिशियल ऑफिसर्स अभी बने हैं हरियाणा में पंजाब में, तो उनका कंटिन्यूअस मुझे सपोर्ट रहा,
कि कैसे पढ़ाई करनी है और अपनी जॉब के साथ में कैसे पढ़ाई करनी है, तो मैं उन सभी की गाइडेंस लेती रहती थी। किस तरह से आप लोगों के साथ एक इंसाफ करने का मौका मिला अभी आपको लोगों को जो है सुनने का, तो किस तरह से आप? हाँ जी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे मतलब चैलेंजिंग टास्क भी लग रहा है कि मुझे अब मेरी सही पढ़ाई शुरू हुई है। मतलब ये जो पढ़ा था वो अलग है, अब जो आगे पढ़ना है वो टोटली डिफरेंट है। आई नीड टू एंश्योर कि हर चीज़ मैं अच्छे से पढ़ूँ, अच्छे से काम करूँ, कि कोई भी मतलब कोताही ना हो मेरे काम में, बस यही बोलूँगी। जहाँ स्कूल में आप पढ़े तो वो कैसे आपको? मेरी हाँ, मेरी स्कूलिंग में पढ़ाई काफ़ी अच्छी हुई है। मतलब मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, सुदेश सर हैं वो TMP स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब मुझे इंश्योर किया कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो। वो टीचर्स काफ़ी अच्छे, मतलब सभी ने अच्छा पढ़ाया। कभी आपको लगा कि ऐसे मुश्किल टाइम आ गया मेरी पढ़ाई में, कुछ ऐसे होगा जब स्टार्टिंग में कुछ गरीबी की वजह से, दायसी की वजह से? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। पेरेंट्स ने मतलब हमें फील नहीं होने दिया कि हमें कोई मुश्किल आ रही है या पैसों की मुश्किल आ रही है, और हमने भी अपने माइंड में अपना सेट किया हुआ था कि हमें इतनी चीज ही यूज करनी है, इससे ज्यादा नहीं। बिकॉज नो डाउट वो हमें पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, बट खुद लिमिट सेट करनी पड़ती है तभी आपको मुश्किलें नहीं आती। अगर हम अपनी लिमिट्स बढ़ा देंगे तब मुश्किलें ऑब्वियसली आएंगी। आप अपने पापा के बारे में क्या फीलिंग है? आप जो एक टेलर मास्टर का काम करते करते यहाँ तक पहुँचे, एक बड़ा डॉक्टर बना दिया, एक बड़ी जज बना दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? इनकी जो मेहनत थी, इनका जो खून पसीने का पैसा था। हाँ जी, मैं यही बोलूंगी कि कोई, पहली बात तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, हर काम की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर वो टेलर है तो वो एक अपने में ही बहुत बड़ा प्रोफेशन है, जैसे अगर मैं लॉ कर रही हूँ तो ये अपने में बड़ा प्रोफेशन है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने में ही बड़ा प्रोफेशन है, अगर वो उसे अच्छी और ईमानदारी से करेंगे। तो आई एम वेरी प्राउड। पापा और मम्मा कितने खुश हैं, वो इनके जो दिल की तमन्ना पूरी हुई है? वो बहुत खुश है, होना भी चाहिए और खुश भी है। मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। हाँ जी, सब लड़कियों के लिए आपका एक मैसेज होगा कि जो हमारे पापा में लड़की रहती है वो बोलती है हम नहीं कर सकती, जो है जो कुछ गरीबी की वजह से, तो आपका क्या एक मैसेज होगा उनके सबके लिए ताकि वो भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सके? मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी मेंटेलिटी चेंज करें। पहली बात अपनी सोच को बदलें कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हर चीज आसान है अगर आप आसानी से उस चीज को देखेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम हर चीज को ना बड़ा बना देते हैं बहुत ज्यादा, कि ये चीज बहुत बड़ी है तब हमें मुश्किलें आती हैं। अगर हम उस चीज को छोटा करेंगे दिमाग में कि हमने सिर्फ पढ़ना ही है, हमने क्या ही करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो हमें डेफिनेटली रिजल्ट देगा। तो मैं यही चाहूंगी कि आपको कोई भी घर का काम करते हुए भी आप पढ़ सकते हो, आप अपने फोन में, आजकल हर चीज यूट्यूब में है, तो आपको कोई एक ऐसे कोचिंग की जरूरत नहीं है, सारी कोचिंग आजकल ऑनलाइन है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आगे बढ़ें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरा नाम भावना केसर है, मैंने अपनी स्कूलिंग TMP हायर सेकेंडरी स्कूल से करी थी, देन मैंने अपनी BLLB LLM पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी, एंड वाइल कंटिन्यूइंग आई एम सिलेक्टेड एज ए ऑफिसर इन हाई कोर्ट, देन वाइल कंटिन्यूइंग मेरी सिलेक्शन मतलब नोटिफिकेशन आगे जुडिशरी की, देन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नाउ गॉट सिलेक्टेड, आई एम वेरी थैंकफुल।